कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नखास चौक स्थित ओसामा एंड कंपनी को बीते दिनों प्रशासन ने सील किया था। सील दुकान पर सोमवार को नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह और सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने नगर निगम प्रशासन के सहयोग से दुकान के अंदर लगभग 10 लाख के बरामद किए पटाखों को नष्ट करवाने का निर्देश दिया। नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि घनी आबादी के बीच अवैध रूप से पटाखों का कारोबार चल रहा था। पटाखों की अनुमानित कीमत लगभग 8 से 10 लाख रुपए है। बरामद हुए पटाखों को राप्ती नदी के किनारे बने पोखरे में नष्ट किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने कहा, राजकमल वाले सब फेकर इसमें करवाई थे तुम लोग भी ये आप लोगों को जानकारी होगी। पिछले 23 तारीख को जो है यहाँ सूचना मिली थी कि बिना लाइसेंस के अवैध पटाखे रखे गए हैं और बेचे जा रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग जो है पिछली 23 तारीख को आए थे। मेरे साथ जो है ACM 2 ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और लोकल पुलिस की टीम थी। इसको सील किया गया था। उसी क्रम में आज चूँकि आबादी के बीचों बीच है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज इस समस्त पटाखे को निकाल के हम लोग जो है जो विसर्जन स्थल है राजघाट, वहाँ इस पूरे पटाखे को पानी में जो है इसका जो है डिस्पोजल कर दिया जाएगा। जी लगभग 8 से 10 लाख रुपए बताया जा रहा है। जो दुकानदार है बता रहे हैं कि 8 से 10 लाख रुपए कीमत इसकी होगी, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। बाकी जो है नगर निगम की पूरी टीम है और सारा उठवा के CO साहब भी हैं और हमारे ACM 2 हैं, कोतवाली की फोर्स है, सबके साथ ये कार्रवाई की जा रही है। बहुत काम हाँ बिल्कुल, पहले भी कार्रवाई के खिलाफ की गई है और इसमें और कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। लगातार भ्रमण रहेंगे और अन्य जगहों पे भी आबादी में जो हम लोग जो है इसको नहीं बेचने देंगे।